हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलतारा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट वन 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटिकर और नॉन स्ट्रीटिकर राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 2,01,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलतारा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट वन 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटिकर और नॉन स्ट्रीटिकर राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है।
और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में $201,320 यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटिकर और नॉन स्ट्रीटिकर राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में $201,320 यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में
45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटकार और नॉन स्ट्रीटकार राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 201,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलाताला शिवा जूनियर एनटीआर संयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटकार और नॉन स्ट्रीटकार राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 201,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलाताला शिवा जूनियर एनटीआर संयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं,
जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटिकर और नॉन स्ट्रीटिकर राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म ने 201,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर संयुक्त जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटिकर और नॉन स्ट्रीटिकर राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म ने 201,320 डॉलर
यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर संयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटकार और नॉन स्ट्रीटकार राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 2,01,320 यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर संयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट
75 करोड़ रुपए में ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्टेटिकर और नॉन स्टेटिकर राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 201,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्टेटिकर और नॉन स्टेटिकर राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 201,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी
दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटकार और नॉन स्ट्रीटकार राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 201,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटकार और नॉन स्ट्रीटकार राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 201,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन
फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट वन 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटकार और नॉन स्ट्रीटकार राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 201,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर संयुक्त जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट वन 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटकार और नॉन स्ट्रीटकार राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि
40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म ने 2,01,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटिकर और नॉन स्ट्रीटिकर राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म ने 2,01,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है।
बता दे कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटकार और नॉन स्ट्रीटकार राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 201,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटकार और नॉन स्ट्रीटकार राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 201,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले
पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटकार और नॉन स्ट्रीटकार राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 201,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलादादा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट 1 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटकार और नॉन स्ट्रीटकार राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 201,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें।
आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसके भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलतारा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट वन 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटकार और नॉन स्ट्रीटकार राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म में 201,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में देवरा से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है, इसकी भी जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। कोलतारा शिवा जूनियर एनटीआर सहयोग जन फिल्म देवरा दो भाग में बन रही है। इस फिल्म के जरिए श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और बॉलीवुड के सुपर हीरो सैफ अली खान टॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं, जबकि प्रकाश राज, श्रीकांत और अन्य प्रमुख भूमिकाएं निभाते दिखेंगे। युवा सुधाकर आर्ट और एनटीआर आर्ट संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने इस फिल्म को संगीत दिया है और देवरा पार्ट वन 27 सितंबर को सिनेमा घर में रिलीज होगी। इस फिल्म के पहले पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, टीजर रिलीज हो चुका है और गाने भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब देवरा की बात की जाए तो फिल्म निर्माता ने इस फिल्म को 300 करोड़ रुपए के लागत तक बनाया है। प्री रिलीज बिजनेस की बात करें तो खबर आ रही है कि तेलुगु राज्यों में 125 करोड़ रुपए बिजनेस अब तक किया है। सुनने में आया है कि निजाम में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 55 करोड़, सीडेस में 25 करोड़ का कारोबार हुआ है। स्टेट एनालिस्ट सूत्रों के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ तक का बिजनेस अब तक किया है। बता दें कि फिक्स ने देवरा के डिजिटल राइट 145 करोड़ में हासिल कर लिए हैं और फिल्म नगरी में यह भी चर्चा हो रही है कि सैटेलाइट राइट 75 करोड़ रुपए में, ऑडियो राइट 33 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। यानी स्ट्रीटकार और नॉन स्ट्रीटकार राइट मिलाकर देवरा ने 450 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस अब तक कर लिया है। और खबर यह है कि विदेश में भी कुछ हिस्से में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है।
उत्तरी अमेरिका, यूए, कनाडा में प्रीमियर को एडवांस बुकिंग के जरिए भारी कलेक्शन मिल रहा है। स्टेट पंडितों का कहना यह है कि 40 जगहों पर 100 शो के लिए प्री सेल जारी हुए हैं और अब तक इस फिल्म ने 2,01,320 डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से 1,69,07,316 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और फिल्म की रिलीज में अब कुछ दिन और बाकी है और देवरा और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला है।